के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश चढ़ा पुलिस के हत्थे, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में लगी गोली, मेडिकल कॉलेज में चल रहा इलाज। SSP ने कहा शेष अभियुक्तों की भी जल्द होगी गिरफ्तारी। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के प्रथम दिन पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव अग्रवाल ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सत्य निष्ठा की दिलाई प्रतिज्ञा। सिटी मजिस्ट्रेट ने नखास रोड पर सील हुई दुकान से बरामद हुए 10 लाख के पटाखों को अपनी निगरानी में कराया नष्ट, कठोर कार्रवाई के दिए निर्देश। कमिश्नर ने किया विकास खंड चरगावा के जंगल तिनकोनिया नंबर 2 और नंबर 3 का औचक निरीक्षण, साफ सफाई सहित अन्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के दिए निर्देश। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत आयोजित हुआ कार्यशाला भ्रष्टाचार मिटाओ नया भारत बनाओ विषय पर वक्ताओं ने रखे अपने अपने विचार। गोरखनाथ थाना क्षेत्र के रसूलपुर में कपड़े की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। 31 अक्टूबर को महिला उत्पीड़न की घटनाओं की समीक्षा एवं महिला उत्पीड़न की जन सुनवाई करेगी उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य निर्मला द्विवेदी। गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा रेड कार्ड जारी करने सहित 4 सूत्रीय मांग को लेकर छात्राओं ने सिटी मजिस्ट्रेट और SSP को सौंपा ज्ञापन, मांगे पूरी नहीं होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। उत्तर प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने बकाया मानदेय सहित 3 सूत्रीय मांग को लेकर दिया धरना, मानदेय न मिलने पर विधानसभा घेराव की दी चेतावनी। सरस्वती विद्या मंदिर PG कॉलेज के गृह विज्ञान विभाग द्वारा उद्यमिता विकास संबंधित एक प्रदर्शनी का हुआ आयोजन, छात्राओं ने अपने हुनर को किया प्रदर्शित। खत्री महिला कल्याण समिति ने बैठक कर बनाई वेलकम दीपावली, मिट्टी के दिए जलाने के लिए महिलाओं को दिए सुझाव। गोरखपुर विश्वविद्यालय के संदीप प्रजापति ने बेंगलोर में हो रही अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय तैराकी पुरुष प्रतियोगिता में 10 मीटर बोर्ड डाइविंग स्पर्धा में जीता रजत पदक। और संस्कृति कप T20 टूर्नामेंट में संस्कृति क्लब की 6 विकेट से और महाराजगंज क्लब की 3 विकेट से हुई जीत।